हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हब फॉर टीचिंग सो यूनिट फोर्थ फटाफट स्टार्ट करते हैं ये गलती से मैंने थर्ड लिख दिया था तो यूनिट फोर ये है सिलेबस देखते हैं यूनिट फोर्थ में पहला जो पार्ट है वो एजुकेशनल प्लानिंग और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है तो पार्ट वे पार्ट ए सॉरी फ़टाफट कम्प्लीट करते हैं पार्ट ए में हम लोग पढ़ेंगे एजुकेशन प्लानिंग के बारे में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में एजुकेशन प्लानिंग होता क्या है एजुकेशन प्लानिंग में वी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक डिज़ाइन ऑफ एक्शन फॉर रियलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल एम एंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर इंडिविजुअल्स एंड सोशल डेवलपमेंट थ्रू मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज एजुकेशन प्लानिंग कैसे डिफाइंड होता है ये एक सिस्टमेटिक डिज़ाइन होता है एक्शन्स का जो कि एजुकेशन एम को रियलाइज करता है ऑब्जेक्टिव्स जो भी इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिवस है उसको रियलाइज करता है एंड सोशल डेवलपमेंट के बारे में सोचता है जो कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करता है अवेलेबल रिसोर्सेज का तो किसी भी अवेलेबल रिसोर्सेज को आप कितना मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव को और उसके एजुकेशन एम को रियलाइज़ करके उसको पूरा कर करना ही एजुकेशन प्लानिंग होता है इसमें एजुकेशन की सारी चीज़ें प्लान की जाती है इन प्रैक्टिकल परसपेक्टिव एजुकेशन प्लानिंग इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस यूटिलाइज बाई एन एडमिनिस्ट्रेटर वायर परफॉर्मिंग द रोल ऑफ ए लीडर डिसीजन मेकर चेंज एजेंट एस सो ऑन ये सारी जो रोल्स uh, है वो परफॉर्म होते हैं किसी एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेडर के थ्रू यही एजुकेशनल प्लानिंग होती है अकॉर्डिंग टू एंडरसन एंड बॉन्डमैन एजुकेशन प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ सेट ऑफ डिसीजन फॉर फ्यूचर एक्शन परटेनिंग टू एजुकेशन कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड फ्यूचर एक्शन को जो प्रिपेयर करता है इस प्रोसेस को एजुकेशन प्लानिंग कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन प्लानिंग फटाफट पढ़ लेते हैं एजुकेशन प्लानिंग शुड बी वन कॉम्पोनेंट ऑफ जनरल इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ द नेशन शुड बी वन कॉम्पोनेंट ऑफ जनरल इकोनॉमिक एजुकेशन प्लानिंग इट मस्ट बी अ कंटिन्यूस प्रोसेस लगातार जो चलता हुआ प्रोसेस है वो होता है रिसर्च इज बेसिक टू प्लानिंग रिसर्च जो होता है वो एक बेसिक होता है इस प्लानिंग का रिसर्च इज़ बेसिक टू प्लानिंग प्लानिंग शुड बी रेगुलर फीचर ऑफ ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विदाउट प्लानिंग आपका कोई भी uh, एजुकेशन uh, पूरा नहीं हो सकता तो हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का प्लानिंग जो होता है वो रेगुलर फीचर होता है प्लानिंग शुड बी रेगुलर फीचर ऑफ ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूट इट मस्ट बी रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल ये रियलिस्टिक होना चाहिए और प्रैक्टिकल होना चाहिए इट मस्ट बी प्लानिंग शुड इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन ऑफ फंक्शनैलिटी ऑफ डिफरेंट लेवल डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे इसके फंक्शंस को जो पार्टिसिपेशन होता है वो इन्वॉल्व करता है प्लानिंग इट मस्ट बी बेस्ड ऑन द फेल्ट नीड ऑफ द सोसाइटी सोसाइटी की जो नीड होती है उसको फील करके उस बेसिस पे प्लानिंग बनाई जाती है इट मस्ट बी इन्वॉल्व द सीरीज ऑफ एक्सपर्ट इन द फिल्म बहुत सारे एक्सपर्ट्स की सलाह लेके एजुकेशन प्लानिंग की जाती है इट मस्ट बी ओपन टू ऑल फॉर एप्रिसिएशन इट मस्ट बी फ्लैक्सिबल टू अकोमोडेट चेंज बेस्ड ऑन कंटिन्यूस इवेल्यूशन कंटीन्यूस इवेलुएट करते रहते हैं और जो भी चेंजेस होते हैं तो उसके थ्रू ये बहुत फ्लैक्सीबल बनाया जाता है ठीक है यही सारी चीज़ें एजुकेशन प्लानिंग के अंदर होती है नीड ऑफ एजुकेशन प्लानिंग ओवर एडिंग सोशल डिमांड्स फॉर एजुकेशन बहुत सारे ऐसे जगहों पर अर्बन एरिया है रूरल एरिया बहुत सारे ऐसी जगहों पर एजुकेशन नहीं पहुँच पाता है तो एजुकेशन की जो डिमांड है एजुकेशन प्लानिंग की कि वो ऐसे ऐसे एरिया में भी एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए इंक्रीज इंक्रीज शेयर ऑफ गवर्नमेंट इन फंडिंग एजुकेशन एट ऑल लेवल तो ऐसा होता है कि, कि किसी किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा फंड आता है एजुकेशन के लिए किसी किसी स्टेट में नहीं आता है तो गवर्नमेंट का जो एक वो होना चाहिए ना कि हर स्टेट को प्रॉपर इस तरीके की प्लानिंग होनी चाहिए कि हर स्टेट को प्रॉपर फंड प्रोवाइड किया जा सके कि गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेशन के लिए एट एवरी लेवल हाई रेट ऑफ रिटर्न इन एजुकेशन एजुकेशन का प्लानिंग कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि उसका हाई रिटर्न हो लाइक एक रिसोर्सेज को आप इतने अच्छे से uh, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो रिसोर्सेस बहुत यूजफुल हो किसी को आप ऐसी ऐसी चीज़ें सिखा रहे जो कि बहुत यूजफुल हो फ्यूचर में तो एजुकेशन प्लानिंग कुछ इस तरीके से होनी चाहिए जिसका रिटर्न बहुत अच्छा है मैन पावर रिक्वायरमेंट मैन पावर रिक्वायरमेंट फुलफिलमेंट होनी चाहिए अनइेंट एजुकेशनल ग्रोथ एंड रीजनल इम्बैलेंस बहुत सारे अनएजुकेशनल ग्रोथ अनइेंट एजुकेशनल ग्रोथ होते हैं और रीजनल इम्बैलेंस होते हैं उसको कंट्रोल करना चाहिए एजुकेशन प्लानिंग के थ्रू इम्बेलेंस इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट में जो भी इम्बेलेंसिटी होती है उसको कंट्रोल करना चाहिए कंसर्न फॉर राइजिंग यूनिट कॉस्ट ओवर रेवेन्यू रिसेप्ट तो ये सारा नीड ऑफ एजुकेशन प्लानिंग है इन सारी चीज़ों पे एजुकेशन प्लानिंग की लीड होती है ठीक है तो ये छोटा सा हमारा टॉपिक था एजुकेशन प्लानिंग आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आई हो थैंक यू सो मच गाइस कीप वाचिंग